फिल्म मैंने प्यार किया फेम भाग्यश्री इन दिनों स्टार प्लस पर आने वाले शो स्मार्ट जोड़ी में नजर आ रही है। करीब 30 साल बाद उन्होंने पति हिमालय दसानी के साथ स्क्रीन शेयर की है। शो के शुरुआती एपिसोड में एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि कैसे परिवार के आपत्ति के बावजूद उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। अब बीते एपिसोड में कपल ने शादी के बाद पहली रात का जिक्र किया है और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। स्मार्ट जोड़ी के जारी प्रोमो के मुताबिक भाग्यश्री और हिमालय दोनों शाहरुख और काजोल के गाने मेहंदी लगाकर रखना पर डांस करते हैं। इसके बाद हिमालय बताते हैं कि उनकी शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया। इस दौरान भाग्यश्री एकदम नजरें झुकाए शर्मीली दुल्हन की तरह बनी हुई थी। हिमालय बताते हैं, इसके बाद मुझे लगा मेरी पहली रात है, मेरी दुल्हन पल्लू गिराकर घूंघट गिराकर बैठी होगी, लेकिन जब मैंने रूम खोला तो देखा साड़ी पड़ी है, ज्वेलरी पड़ी है और भाग्यश्री नाइट ड्रेस के अंदर बैठी है। हेलो डार्लिंग, हेलो बिप्स बोल रही है। भाग्यश्री बताती है उन्होंने नाइट ड्रेस इसलिए पहना था कि अब सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। भाग्यश्री का अभी भी कहना है कि वह शादी के लिए भागी नहीं थी। उन्होंने कहा था, जो लोग और मीडिया कहते हैं मैंने भागकर शादी की, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैंने भागकर शादी नहीं की। शो के दौरान भाग्यश्री और हिमालय ने एक दूसरे गले में वरमाला भी डाली थी। बता दे, भाग्यश्री और हिमालय के दो बच्चे हैं, उनका बेटा अभिमन्यु और बेटी अवंतिका, जो दोनों ही एक्टर हैं। इससे पहले भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बीच में उनके और हिमालय के रिश्तों में कुछ खटास आ गई थी और वह एक साल से ज्यादा समय तक अलग भी रहे थे। उन्होंने कहा था, हाँ हिमालय जी मेरा पहला प्यार है और हाँ मैंने उनसे शादी भी की, लेकिन एक अरसा था जब हम बीच में जुदा हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत ऑनलाइन।